लास्ट वीक का पसंद दे दूं बच्चे की बरसी करके हटे हैं बुढ़ी थिरिंग जगह अर्ली ना पर बरसी करते जेड़ा गवर्नमेंट का नजरिया सी जिनी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है क्योंकि अपना तो एक शुरू तो ऐलान किया हुआ सी कि धार्मिक समागम है एक गुरु ग्रंथ साहब महाराज का वो आसरा लेके आप एक बच्चे की आत्मिक शांति की अरदास करना अपना मंत्र से कुछ भी नहीं उस तरह परंतु वो भी इन्होंने इन्नी बरसी को अमृतपाल के इस ढंग न जोड़िया करफ्यू वर्गे हालात पैदा करते बहुत माड़ी गल है तो पहले पंजाब काले दौर से पहला बड़ी मुश्किल निकलिया तो हूँ इवें किसी का फ्यूचर खराब करना मेरा ख्याल है कोई वधिया गल नहीं जिहड़े उद्यम करन वाले ने चार जो आप उन्होंने मरवा दिओ जदों बच्चे का आपां संस्कार किया ना मैं इत्थों इसे भरोसे नाल संस्कार किया भी असीं तुहाडा जिहड़ा जुडिशियल जिहड़ा कमीशन उह बिठावां जिहड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई है उदों असीं उह ते कारवाई करांगे कोर्ट ने एक्शन लिया नाल दी नाल ही पेंडिंग पा दिया वो तो अज तक आप बरसी भी मना हटे कोई असर नहीं उस गल का जेडे आप मास्टर माइंड कहने उन्होंने भी सरकार का कोई मूड लगता नहीं कोई कारवाई करे केवल तो केवल एक रट लाई है असं 32 फड़के देते अभी 33 देते हूँ तो 100 फड़के अमृतपाल लाते क्योंकि बधा लो सू की दिक्कत है इस गल में भावें 100 फड़के दे दो पर जोड़ा असं कहने वह तो नहीं ना फटती सो आप ज़्यादा नहीं बोलना 11 महीने हो गए बोली जाने सरकार के उत्ते कोई असर नहीं ये लोगों के सत्थर पोलीटिक जी पोलिटिक्स के नाल जोड़ते हैं मैं तो सीएम साहब के परसों जो उत्तर देख रहा सी एंकर के नाल बोल रहे क्या वो तो कदे किसी ने चढ़ के बगे ने कदे किसी ने चढ़ के वह इशारा से भी मैं बाजवा साहब नाल चढ़ के विधानसभा पहुँच गया तो भी करता की मेरे को बदल की सी विधानसभा मैं बढ़ नहीं हूँ कोई किसी MLA की हेल्प ना ही मैं अंदर जा सकता उदर तो 3 गेट लगे हुए पिछे ही रोक देंगे मैं फिर तुम मैं जाके बहना मैं शांति पीसफुली आपके फोटो लेके जवाक जी बह गया जाके मियां बीवी दोनों फिर तुम सू एक जिम्मेवार मंत्री भरोसा देकर चल जाता थोड़ी 20 तरीक में मीटिंग करा देंगे अज कि होगी कोई सरकार वालों किसी गल की गंभीर नहीं है किसी गल में उन्होंने एक बार सू उठा सी उठा तो चलो सर असं कि लड़न गए से अभी भी नहीं पीसफुली साढ़ा एक रोल सी सरकार के पूरे भरोसे ही होंगे अपने जोड़ा बंदा कानून के हिसाब में जिंदगी जिंदा आपकी आप हिंसक तो हो नहीं सकते मैं लोगों के जवाकों को गुमराह करके डांगा सोटे फड़ा के गवर्नमेंट में उन्होंने परचे करवाने तो आप है ही नहीं असं तो यह गल कहते पहला नुकसान हो तो मेरा हो गया किसी के बच्चे का ना हो गया जिन्होंने मैं ना लेके जावा मैं तो इतने आने वाले भी चरण बेनती करता भाई ध्यान में जाया करो मुड़के वो गल् नहीं बनदियाँ लंबे गैप पै जाने जो परिवार उजड़ा मुड़के गल हिसाब च नहीं आती फिर पर शांतिपूर्वक रखे का भी की फायदा हो दसो सरकार ने उस गल गंभीरता लिया भी यार एक बंदा 10 महीने हुए बोली जाता कदे ने कोई धरना मुजहरा नहीं किया तो संस्कार भी करवाता करके मैं करता तो चलो हूँ मेरा बच्चा मुड़ता तो है नहीं ना निकली हो चुके सारिया बेबसी है मेरी तो मैं कर की सकता हूँ मैं तो बड़ा जोर मार के मैं धरने मार के थोनू 10 मिनट पुलिस आओ भी डंगा ना कुट के थोनू उठा दूंगी जे जो वतीरा चली जाए यह इंसानियत का कोई परमात्मा मेहर पावे अंदरों बंदा सोचे भी यार तुम यदा घर उजाड़ता थोड़िया गलतियां ना उजड़िया तुम सिक्योरिटी वापस ले उस तो मगरों पहला 9-10 दिन मेरा बच्चा घर वधिया शांति नाल बैठा सी पर जिद्दे तुसीं अनाउंस करती 24 घंटे भी नहीं लंघे अगली गल दीप सिद्धू की बरसी आती है रीना राय की वीडियो आ जाती है सिद्धू की बरसी आती है लॉरेंस की वीडियो आ जाती है ये सरकार का फेर आती है जो असं कोई रिट पाने कोर्ट राही घेरन की कोशिश करते हैं तो पहली आपकी सिट उठा देंगे हूँ वकील ने किसी ने PIL पाई सी भी तुम जी एक गैंगस्टर की बदमाश की इंटरव्यू करके उन्होंने नैशनलिस्ट दिखा रहे हो
सोशल मीडिया से वो पटीशन पाई। वो तो पहले उन्होंने इंक्वायरी देती एडीजीपी साहब की जेलों की इंक्वायरी लाती, पर नाल दी नाल टाइम भी देता कम भी इंक्वायरी का बिठाती है। ये महीने च दो महीने च छः महीनों के रिपोर्ट दे दूंगी, इंक्वायरी बिठाती रिपोर्ट आनी नहीं, पांच महीने लग जाने दस महीने लग जाने, साढ़े तो ग्यारह महीने चलान नहीं पेश हुआ हजे तक रिपोर्ट की होनी है। यानी जो सासी कोर्ट जाना सारा कोर्ट का रास्ता ही बंद कर देंगे। बड़े छात्र ने भोले नहीं है कि पहला कोर्ट जो आपका रखते भी मैं हाई कोर्ट जाया, ये नहीं सुनते भी चल कोई ना कोई आप वकील करके आपका पक्ष आप मान योग अदालत के अगे रखिए। उत्थे जी एक बार पटीशन हम जिम्मे सिक्योरिटी लैब्स के बारे हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, हूँ वो पेंडिंग पै गया, हूँ मैं दोबारा उस चीज़ के उत्ते पटीशन भी नहीं पा सकता सरकार को जाकर। वो तो कहेंगे जो ऑलरेडी हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है ना जी का जी है पटीशन रद्द हो गई भी दसो बंदा जाए तो जाए कितने, फिर उस तो बाद लोग रह गए। जो तो मेरी सरकार ने सुनी मैं कोर्टा च भी असफल हो गया, फिर मैं थोड़े को आ जाने कट्ठे हो गए कि तुम सुन लो गे जो थोड़े को फिर कहते तो पॉलिटिक्स कर लग गए। फिर कुछ तो करा थोड़ू घेरने वास्ते मैं कितने तो जाना पेगा। फिर कांग्रेसी का टैग ला दिता, कांग्रेसी कोई मच दा तीन पीढ़ियां तो साडा परिवार इस पार्टी से जुड़िया हुआ, मैं जो झूठ बोल के किसी को गया मैं करता कुछ होर है कमा कुछ होर है। मेरे बच्चे ने इलेक्शन इलेक्शन लड़ी पार्टी तो लड़ी, असं लुकवाया की है लोगों, हर एक चीज़ ने हस के गल करनी किसी कितने भी मैं इमोशनली बंदा प्रभावित होकर गल कहना। एक पास तुम कह लो भी साडा भरा है, भरा वाला फर्ज अदा किहड़ा कीता तुसीं। मैं कहना भी जेड़े मैं पांच चार बंदे कहना भाई इन इनवैसटीगेशन शामिल कर लो, FIR कट दो, केस चलाओ, इन अदालत बरी कर दी कर दे, मैं जो नहीं प्रूफ तो मैं दे सकूंगा परी हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली गल, पर मेरी इन्नी कता रख दो भी मैं जी चीज़ मेरा जवाक मारे इन्होंने इन्हों का ना तो ले लो, वो तो विचार कर। सो मैं सू सारे जिन्हें तुम इतने चल के आए हो सारे का तय दिलों धनवादी रहूँगा, तुम जिन्हें ने मेरा साथ दिता। मेरी अरदास भी रो अज तो बाद अकाल पुरख के है, मैं किसी सरकार के अगे हाथ नहीं अड़ूंगा, मैं किसी दफ्तर को नहीं जाऊँगा, मैं किसी अफसर को नहीं जाऊँगा, मैं छड़ता सब कुछ। थोड़िया दुआवां ने जो वाहगुरु ने मंजूर करनिया हो दरते हो जाएगियाँ, नहीं बच्चा गया आप उस रस्ते पर हैं। गलत शब्द भावुक हो जाए कई बार कह जाना, बस मेरे को थोड़िया दुआवान नहीं करनी। तुम भी अरदास करो महाराज के चरणों गुरु घर मंदिर जिस भी दीन धर्म को मानते हो हिंदू है मुसलमान है आपो अपने इष्ट को अरदास करो भी असं बेबस। मैं बहुत जोर ला लिया, मैं हर एक हीला अपना के देख लिया, मैं कोटा चू भज के देख लिया, इन्होंने मैंने चार शेरों वन कर कितने नहीं मेरी चलती। हूँ मेरे को कला लोगों ने रह गया, कल ये कितों वोटा मंगने जाएंगे तो मैं भी भजूंगा बिच। मैं आके लोगों को बेनती करूँगा देखो भरावो मेरा हाल किया, ये अरदास तो मैं थोड़े को लेके आऊँगा, मननी ना मननी थोड़े सर।